नमस्कार, आप देख रहे हैं और संदीप शर्मा, और लगातार राहुल गांधी के लिए पानीपत और हरियाणा के लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि राहुल गांधी का आज पानीपत के सनोली खुर्द में ठहराव होने वाला है, लेकिन ये प्रोग्राम आज कैंसिल हो चुका है। जी हाँ, राहुल गांधी पानीपत के सनोली खुर्द में आज नहीं ठहरेंगे। ये एक बड़ी अपडेट के साथ हम फिलहाल मौके पर पहुंचे हैं। सनोली खुर्द की तस्वीरें एक बार मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, जहाँ पर रात्रि ठहराव राहुल गांधी और तमाम जितने भी यात्री के साथ में यात्रा में शामिल तमाम लोग, दिग्विजय सिंह की बात करें, जयराम रमेश की बात करें, कन्हैया की बात करें, तमाम जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो फिलहाल यहाँ पर पहुँचने की उम्मीद बताई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी सभी लोग जितने भी बड़े नेता थे वो पहुँच जाएंगे। पर राहुल गांधी की तो सूचना हमारे पास आ रही है, राहुल गांधी आज पानीपत के अंदर नहीं ठहराव उनका होगा, क्योंकि इसमें बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि राहुल गांधी की मम्मी है, जो उनकी माता है सोनिया गांधी, की तबीयत कल खराब हो चुकी थी। सर गंगाराम अस्पताल है जो दिल्ली के अंदर, वहां पर उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन की वजह से उनको एडमिट किया गया था, और तभी से अंदाजा और कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सुबह यहाँ पर रात्रि ठहराव न हो सके। दो दिन की यात्रा और आज तीसरा दिन पानीपत के हरियाणा के पानीपत में उनको एंटर करना था, रात को यहाँ पर रुकना था। कल पूरा दिन पानीपत के अंदर उनका यहाँ पर प्रोग्राम कही थे, लंच था उनका, रैली को संबोधन था, लेकिन आज रात को वहाँ पर जो पानीपत के सरोली खुर्द में ये कैंप आप देख पा रहे हैं कि कंटेनर यहाँ पर तमाम कंटेनर यहाँ पर 80 के आसपास कंटेनर जो बताए जा रहे हैं कि यात्रा में तमाम जितने भी यात्री 120 के आसपास यात्री हैं वो यहाँ पर ठहरने वाले हैं, रुकने वाले हैं। पर राहुल गांधी जो ग्रीन कलर के आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि ग्रीन कलर का जो नेट है उसमें राहुल गांधी के जो कंटेनर है वो फिलहाल पहुंच चुके हैं, पर राहुल गांधी नहीं ठहरेंगे। इसके अलावा जो उनकी यात्रा में लगातार 2500 के आसपास यात्रा जो किलोमीटर है 2500 के आसपास यात्रा है, एनआरआई है, यूएई में रहते हैं, लगातार उनके साथ में चले हैं 2500 के आसपास, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आपके साथ हमारे साथ है सर, 2500 के आसपास आप लोगों ने यात्रा कर ली और राहुल गांधी के साथ में लगातार आप यात्रा में हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पानीपत आज आना था उनको, पानीपत अभी आना था, लेकिन अभी मालूम पड़ा कि वो किसी निजी कारणों से चली गए हैं और वापस आ जाएंगे। और सुबह यात्रा यहाँ से जो विधिवत है वैसी सुबह यात्रा, कितने किलोमीटर आपने यात्रा उनके साथ की? मैंने लगभग 25 साथ के साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि तमाम दर्शकों से ये अपील रहेगी मेरी कि इस वीडियो को शेयर करें और अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर साझा करें, एनर्जी करो। लगातार एक बार बार टी शर्ट पर सवाल उनके खड़े किए जा रहे हैं, और फिर आपसे भी मैं, क्योंकि उनके नजदीकी हैं, क्या आखिरकार रीजन है उनकी टी शर्ट के पीछे? आप तो पूरा कैप भी है, सारी चीजें आपके पास है सर्दी से बचने के लिए। जो इम्यूनिटी पावर है राहुल जी का वो बहुत जबरदस्त है, वो योगा करते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो जोड़ो कराटे के लिए वो जब चलते हैं, और वास्तव में जब गांधी जी अब भी चलते हैं तो ऐसे में व्यक्ति अगर 25 किलोमीटर रोज चले तो उसको बहुत मुश्किल होती है, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चलता है। इसी तरह राहुल जी का भी हमारे से तो बहुत ज्यादा स्टेमिना है और उनको भी कुछ उसके फर्क नहीं पड़ता है। रिस्पॉन्स कैसा रहा लोगों के बीच में? कई स्टेट आप लोगों ने पार कर दी, क्या चाहते हैं लोग अभी? पहली बार जो है राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं, राहुल जी ने जैसा कहा कि नॉन पॉलिटिकल यात्रा है, और ये जो समाज के बीच में जो दरार डाली गई है उसको भरने के लिए, उसको जोड़ने
जाने के लिए यात्रा है। इसका राजनीतिक मायने तो अपनी जगह है, वो बात की बात है। अभी जो समाज में दरार और निकलती गई है, कैसे मानते हो दरार? दरार, आप दरार की बात कर रहे हो, एक उनका बयान था कि भाई नफरत के बाजार में और मोहब्बत की दुकान खोलने है, कौन सी नफरत की बात कर रहे हो? नफरत आप देखेंगे कि आज इंडिया में राजनीति का जो है ध्रुवीकरण कर दिया गया है, और ऐसा ध्रुवीकरण कर दिया गया है कि यंग जो लड़के हैं हमारे, आज उनको अगर राजनीति में कैरियर बनाना है तो उनके सामने एक शॉर्टकट होता है, एक हेड स्पीच दो किसी समाज के खिलाफ में, भगवा कपड़ा डालो और एक हेड स्पीच दो, आप हीरो बन जाओगे, आपका राजनीति में कैरियर बन जाएगा। ये जो गलत रास्ते में देश को डाल दिया गया है, हमारे नौजवानों को डाल दिया गया है, समेटने के लिए उसको ये अलग अलग संज्ञाओं से नाम दिया गया उसका, उसको उसके पीछे क्या लगता है? पप्पू कहा जाता था तमाम कई सालों से लगातार जब से सरकार में आई है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अब जो राजनीतिक गलियारों की भी बात है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जब इतने भाषण उनके वायरल हो रहे हैं तो मैच्योरिटी एक नजर आ रही है, सीरियस जो पॉलिटिशियन होता है उस तरह के भाषण उनके नजर आ रहे हैं, क्या लगता है वो पहले से ही ऐसे थे या आप राहुल गांधी जी एक बहुत जगतमैन आदमी है, तो आपको मैं एक वीडियो शेयर करूंगा, आप उस वीडियो को देखें और इस राहुल गांधी से आप जब मिलेंगे तो तब आपको सत्यता पता चलेगी कि राहुल जी क्या है। रहा सवाल छवि बिगाड़ने के लिए, विपक्षी पार्टियों हमारे मुखालिफत है, उन्होंने बहुत इसके लिए प्रोसेस करे, पापड़ बेले, खर्च किया, उसके बावजूद राहुल गांधी जब रोड पे आए लोगों की समझ में आया तो वो सारी चीजें खत्म हो गई। एनर्जी करो, एनर्जी। तो लगातार ये कवरेज हमारी जारी है, लोगों से बात हो। कुछ यहाँ पर देखिए कि तिरंगा साथ में कांग्रेस का झंडा, माफ कीजिएगा, कांग्रेस के झंडे के साथ कहाँ से आए हो दोस्त? मैं बरनावी से। बरनावी कहाँ पर? जिला शामली, उत्तर प्रदेश से। देखिए प्यार ये कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए प्यार है कि उत्तर प्रदेश से उनका बॉर्डर खत्म हो चुका है, उसके बावजूद भी ये राहुल गांधी की यात्रा को यहाँ पर छोड़ने के लिए वो कैसे रहते हैं, कैसे ठहरते हैं, क्या कुछ आप लोगों ने वहाँ पर देखा, आप यात्रा में थे या किस तरह का? उत्तर प्रदेश के लोग इतना बेसब्री से इंतजार वहाँ पर कर रहे थे, बहुत सारे लोग मैंने भीड़ देखी वहाँ पर यात्रा में। हम भी वही थे, पर जहाँ तक राहुल गांधी जाएंगे हम उसके साथ साथ जाएंगे। दिन जाओगे भाई? जितने यात्रा कर यही बात। अजी हाँ भाई, यूपी वाले भी आ रहे भाई, देख लियो लंडे भाई, भाई डबा जाओ भाई, यूपी के आ रहे भाई, चार पांच लंडे आ रहे और राहुल गांधी की यात्रा में शामिल है, और इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर तक जाएंगे भाई, 400 किलोमीटर है इधर। तो योगी भी है, हम घर ठीक काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं? मैं काम तो ये कर रहे हैं। अच्छा, मजा नहीं आ रहा, कांग्रेस सरकार आनी चाहिए। अच्छा, इसमें क्या है, कांग्रेस में ऐसा किए बहुत देर, कई साल रहे या सत्ता में क्या कर दिया? सरकार में मजा लिया थी जनता ने, खुश थी जनता ना, चावल सब चीज महंगा हो गई, तेल महंगा हो गया, 67 रुपए लीटर था, 100 रुपए लीटर जा रहा पेट्रोल, और जी 96 रुपए लीटर डीजल जा रहा 200। अंधेरा है थोड़ा सा भाई, में भी दिखने में कमी हो सका है, पर बता दे क्या नाम है अंकल मुंडे? साहिल है। अच्छा, कैसा लग रहा है? देखना था और राहुल गांधी को देखिए, देखेगी और योगी बगाना है। क्या बात है, योगी बगाना है, योगी मैं तो राहुल गांधी कह रहे हैं भाई नफरत खत्म करनी, प्यार मोहब्बत बैठ रहे, आप तो उनसे के बात नाराजी ज्यादा लग रहे हैं। नाराज है योगी से, नफरत है। अजी हाँ, नफरत है योगी से, योगी की किसा चाह, राहुल गांधी चाह। अच्छा, राहुल गांधी की सरकार, और राहुल गांधी की तो इच्छा प्रधानमंत्री बनने की है, तो उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी जा रही हूँ, मुख्यमंत्री भी अटके में साफ कर देंगे, इसको काम सही नहीं, पसंद नहीं आ रही, पसंद नहीं बिल्कुल भी। भैया तीन तलाक करके अयोध्या मंदिर बना दिया, तो वो कैसा? कुछ नहीं बना इतना। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे, जनता का पागल बना रहे। अच्छा, यहाँ के एक रण आया भाई, क्या नाम है अपना? नाम बताते, इमरान है, मोहम्मद इमरान है।
दूंगा नहीं रहा गया बोलने का हम संभाल लेते हैं हरियाणा में अब प्याज लगाओ इतना ज्यादा हो जाए अच्छा लगाओ ज्यादा है क्या खूबी क्या है उसके अंदर क्या क्या पसंद है होगी राहुल गांधी के अंदर के है ऐसा क्यों बढ़िया लगा वो तो देखिए सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर सुभाष पटला भी यहाँ पर है पहुंचे हैं एक बार थोड़ा सा साइड करवा दे साइड राहुल गांधी आपको पता है कि पानीपत के अंदर ठहराव था वो कैंसिल हो चुका है आज नहीं आ रहे हैं आकर आपको सूचना है मेरे पास सूचना नहीं है हाँ। वो कारण क्या हुआ पता नहीं उनकी मम्मी की तबीयत खराब बताया प्राइवेट अस्पताल है दिल्ली के अंदर वहाँ आपकी तमाम जो तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी आप लोग भी यहाँ पर पहुंचने वाले थे रात को आज मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि हमारी प्रिय नेता जो देश की नेता है सोनिया गांधी की स्वस्थ के कारण जैसे आप बता रहे हैं मुझे आपसे पता चला है चैनल के माध्यम से वहाँ पे कवरेज कर रहा था जो चंदन किले का गेट है ना जो तरफ जाता आपका एक होर्डिंग लगा हुआ था और उस होर्डिंग को भी ढक दिया गया मैं कवरेज देख रहा था मतलब नेताओं के अंदर पोस्टर लगाने की होड़ अपना चेहरा चमकाने की होड़ राहुल गांधी शायद इसमें पहुंचे हैं देखिए राहुल गांधी की यात्रा जिस यात्रा काफिला माफ कीजिएगा राहुल गांधी का जो काफिला है कुछ देर के जो देखिए लगातार ये कवरेज जारी है और लाइव तस्वीरों के माध्यम से तो आप देख पा रहे हैं कि ये काफिले के अंदर जो तमाम गाड़ियां थी करीब एक दर्जन के आसपास एस्कॉर्ट उनको कर रही थी वो सभी गाड़ियां हाईवे से गुजरते हुए पानीपत के तरफ निकल गई हैं और देखने वाली बात होगी कि आखिरकार क्या ये वापस से लौटते हैं थोड़ा से साथी से कहूंगा कि मेरे साथ थोड़ा सा कवर करे मुझे अब ये उत्तर प्रदेश से आए हैं और हो सकता है कि ये कुछ देर के लिए जो कि यहाँ पर उनके साथ में और भी यात्री थे उनसे कुछ मिलके उनको बताकर यहीं से दिख जाएगा आगे जाएं और गेट है यो मेन गेट यू लेकर के गेट दिखा देना यूटर्न लेकर के शायद ये राहुल गांधी आ सकते हैं कोर्ट की बात करें तो यहाँ पर अरे आड़ा आजा गेट दिखा देना गेट दिखा दे मेन गेट दिखा देना और तो सही एंगल बन जाए हाँ तो देखिए गेट पर जो मेन गेट है यहाँ पर फिलहाल तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं हरियाणा पुलिस की बात करें सुरक्षा के लिहाज से तमाम व्यवस्थाएं हैं वो पूरी है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में फिलहाल पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है आईपीएस अधिकारी से लेकर के एचसीएस अधिकारी और महिला पुलिस कर्मियों की भी यहाँ पर आप तैनाती देख पा रहे हैं और टेंट आप चारों तरफ देखिए कि किस तरह से टेंट जो यहाँ पर लगे हैं कंटेनर जो उनके साथ में यात्री चल रहे हैं करीब करीब 80 के आसपास जो कंटेनर आप मेरे इस तरफ देख पा रहे हैं कि इन कंटेनरों के अंदर रात को यात्री जो हैं वो होते हैं और जो ग्रीन कलर के मैंने आपको ग्रीन कलर के जो टेंट लगा हुआ है यहाँ पर इन कंटेनरों के अंदर राहुल गांधी वो रात को ठहरा उसका था रात को यहाँ पर सोना था लेकिन बड़ी खबर जो सब तक हमारे साथ फिलहाल जुड़े हैं जो मैं बता देना चाहता हूँ लाइव राहुल गांधी आज रात को यहाँ पर नहीं रुकेंगे ये बड़ी खबर है और बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि राहुल गांधी की जो माता है सोनिया गांधी वो कल उनकी